उपयुक्त मार्ग सुनिश्चित करें प्रशासन। चंद्रमणि पांडे, किसी भी दशा में नहीं होने देंगे अवैध खनन, जरूरत पड़ी तो उप जिलाधिकारी कार्यालय होगा अनशन। विक्रम ज्योत विकास खंड अंतर्गत आने वाले बटोली ग्राम पंचायत के काशीपुर में शुक्रवार को बालू खनन हेतु मशीन लगते ही क्षेत्र के ग्रामीण अवैध खनन को रोकने हेतु विरोध में उतर आए व अधिकारियों से शिकायत का भी कोई असर होता नहीं दिखा, तो रविवार को ग्रामीणों ने मामले की जानकारी समाज सेवी चंद्रमणि पांडे को देते हुए सहयोग का आग्रह किया, जिसके क्रम में श्री पांडे सोमवार को प्रातःकाल ही मौके पर पहुंच ग्रामीणों संग नदी के किनारे धरना पर बैठ गए। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय ठेकेदार वहां पहुंचे व बताया कि हमें खनन बर्दिया लोहार में करना है, यहां से हमें 4 फुट चौड़ा 4 फुट गहरा रास्ता बनाना है। ग्रामीणों की माने तो ऐसा संभव ही नहीं, 4 फुट चौड़ाई व 4 फुट की गहराई में 4 फुट चौड़ी मशीन तैर कर जा नहीं सकती, यह केवल गुमराह करने हेतु कहा जा रहा है। खुदाई कम से कम 4 मीटर चौड़ा व 4 मीटर गहरा होगा। ज्ञात हो कि काशीपुर से बदरिया लोहार की दूरी 4 किलोमीटर से अधिक है, ऐसे में बड़ा सवाल, इतनी दूर जिस किसान की जमीन से रास्ता जाएगा क्या उसकी सहमति ली गई है, क्या उसे प्रतिपूर्ण मिलेगी। उप जिला अधिकारी हरेया की माने तो खुदाई नहीं होगी, महज धारा मोड़ते हुए वहां जाने का मार्ग बनेगा, किंतु सवाल ये है कि ठेका बालू खनन का है या धारा मोड़ने का। समाज सेवी चंद्रमणि पांडे का कहना है कि ठेकेदार व उप जिला अधिकारी की बात में ही अंतर है, कुल मिलाकर ठेका जहां का है खनन वहां पर हो, 3 किलोमीटर रास्ता बनाने की क्या जरूरत है। अगर कार्य धारा मोड़ने का होना है तो जहां नदी बंधे से सटी है वहां काम हो, किसी भी दशा में बिना मुआवजा खनन कार्य नहीं होने दिया जाएगा। कल तक यदि प्रशासन ने मशीन नहीं हटवाया तो हम ग्रामीणों संग 19 फरवरी से उप जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। खुदाई बंद करो, बंद करो। आज हम विक्रम ज्योत विकास खंड के काशीपुर गांव में यहां के ग्रामीणों के साथ, जिनका धरना लगातार 2 दिनों से चल रहा, बगल में खुदाई के लिए मशीनें लगी हुई हैं, इन लोगों ने रोक रखा है, खुदाई का काम बाधित तो है लेकिन ग्रामीण जिस दिन उठ जाए तो खुदाई शायद शुरू हो जाए, क्योंकि ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन को उक्त बात की जानकारी दे रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है कि अधिकारी इस मामले को अभी तक संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल रात में ग्रामीणों ने हमें सूचना दी, इसके बाद आज सुबह से हम यहां ग्रामीणों के साथ धरनारत हैं, लेकिन दिन करके सुबह के 11:30 बज चुके हैं, अभी तक शासन प्रशासन या खुदाई से संबंधित किसी ठेकेदार का यहाँ पर आगमन नहीं हो सका है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन बाढ़ जब आता है तो बड़ी तत्परता से काम करता है, लेकिन बाढ़ आने के पूर्व अगर इस तरीके के अवैध खनन को रोक दे तो शायद कटान बंद हो जाए। शायद अगर गौरिया नयन में अवैध बालू खनन न हुआ होता तो कल्याणपुर, गौरिया नयन, संदलपुर, बाघा नाला आज कटान क्षेत्र से घिरे न होते। ठीक इसी तरीके से अगर काशीपुर क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया और अवैध बालू खनन हुआ तो यह भी क्षेत्र कटान के जद में आ जाएगा। ऐसे में अधिकारियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए जहां पर वैध टेंडर हो खुदाई वहीं पर हो, अवैध किसी भी व्यक्ति को परेशान न किया जाए, उसके जमीन का अवैध उत्खनन का कार्य न किया जाए, अन्यथा के दिन स्थिति में हम लोग कल उप जिलाधिकारी कार्यालय को घेरने के लिए बाध्य।